कचचे था की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री ने भारत का समर्थन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वहां के मंत्रियों ने जो टिप्पणी की थी उस पर अफसोस भी जाहिर किया। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने कहा कि भारत हमेशा से मालदीव का सबसे बड़ा मददगार रहा। जब भी भारत से मांगी थी मदद, मांगी है, भारत ने हमेशा मालदीव की मदद यहां पर की है। नंबर वन चैनल, नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। मालदीव को यह समझ आ रहा है, या फिर यूं कहिए कि वो बखूबी समझ गया है कि आखिर उससे गलती क्या हुई है, कहां हुई है। वहीं पाकिस्तान को भी अब ये एहसास होगा कि 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद कैसे इमरान खान की सरकार भारत से दया की भीख मांग रही थी। इस वक्त पाकिस्तान में उन 9 मिसाइलों का जिक्र हो रहा है जिनके टारगेट पर लाहौर से लेकर कराची तक 9 शहर थे। जब पाकिस्तान पर भारत ने तान दी थी 1, 2, 3 नहीं बल्कि 9 मिसाइल, जब कहा गया कि ये कत्ल की रात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान से फोन पर बात करने से मना कर दिया। मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। पुलवामा हमले के बाद भारत का रुख देखकर पाकिस्तान कैसे भीगी बिल्ली बन गया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान को क्यों यकीन हो गया कि अब उसका बचना मुश्किल है? अमेरिका ना उच्च एक व्यक्ति है, एक निवेदन करियो के मोदी बीजा दिवस है एक साथ 12 मिसाइलो हमलो करवानु करीने क्या क्यों तू परिस्थिति गंभीर थी जात आ सारू थी कि पाकिस्ताने पायलट ने पाछो मोकलवानी जाहेरात करी दी थी, नहीं तो रात कतलनी रात थी। आ अमेरिका ने कहू 48 घंटे के अंदर क्या क्या हो गया, क्यों अब उस रात की बात की जा रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने का खतरा कगार पर पहुंच गया था। पाकिस्तान, इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा को लगा कि अब हमला होना पक्का है, युद्ध की 100% गारंटी है। 9 मिसाइलों का पाकिस्तान पर ताना जाना, बहुत साफ बात कि पाकिस्तान का हर बड़ा शहर भारत के टारगेट पर था। पाकिस्तान को यकीन हो गया था कि भारत अब पाकिस्तान पर अटैक कर देगा और उसकी तबाही फाइनल है, उसे अब कोई नहीं बचा सकेगा। इस बात का जिक्र पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने किया है। 2019 की बात है, तब पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जो हालात बने उसे लेकर अजय बिसारिया ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिसे लेकर साफ हो गया है कि पूरे पाकिस्तान के होश उड़े हुए थे। इमरान खान की सरकार डरी हुई थी, पाकिस्तान की पूरी फौज सहमी हुई थी। अजय बिसारिया जो उस वक्त पाकिस्तान में भारत के नुमाइंदे थे, उन्होंने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिसमें पाकिस्तान के खौफ का जिक्र है, जिसमें इमरान खान की बेचैनी बताई गई है, जिसमें पाकिस्तान की पूरी सेना के बीच मची खलबली दिखाई गई है। तारीख 27 फरवरी साल 2019, पुलवामा में हुए आतंकी हमले को 13 दिन बीत चुके थे। बालाकोट में एयर स्ट्राइक की अगली सुबह जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक बॉर्डर पर निगरानी तेज थी। पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट का रिएक्शन क्या होगा, इस पर इंडियन एयरफोर्स के विमान नजरें गड़ाए हुए थे। तब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं, वो जम्मू कश्मीर रीजन में पीओके की तरफ पाकिस्तान की वायुसेना की हर हरकत की निगरानी कर रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान MiG-21 फाइटर जेट उड़ा रहे थे।
इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला किया गया। अभिनंदन पाकिस्तान के F-16 के साथ डॉग फाइट में शामिल हुए। इस दौरान वो POK के हवाई क्षेत्र में चले गए। उन्होंने पाकिस्तान के एक F-16 को मिसाइल मारकर गिरा दिया, लेकिन जमीन पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके MiG-21 को गिरा दिया। अभिनंदन ने विमान से इजेक्ट किया, लेकिन जब वो पैराशूट से उतरे तो वो POK में थे और वो पाकिस्तान की सेना के हाथ लग गए। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी किताब में बताया है कि दोनों देशों के बीच तनाव इस स्तर पर पहुंच गया था कि युद्ध शुरू होने के हालात बन गए थे। अजय बिसारिया ने अपनी किताब में बताया कि इस्लामाबाद में उन्हें आधी रात को भारत में पाकिस्तान के तत्कालीन हाई कमिश्नर सोहेल महमूद का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं। मिसाइलों से घबराए इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी रात में फोन किया था। डर ये था कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तान दी थी जो किसी भी पल फायर की जा सकती थी। इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन बजता रहा। इमरान खान बार बार डायल करते रहे और भारत से कोई जवाब नहीं मिला। इमरान खान फोन लेकर बार बार कोशिश करते रहे कि किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हो जाए, लेकिन नाकाम रहे। इमरान खान ने थक हार कर फोन रख दिया, लेकिन उनका डर बरकरार रहा कि भारत से किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से बात करके ये बताना चाहते थे कि वो आतंकवाद से निपटने के लिए कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन तब अजय बिसारिया ने दिल्ली में बात करके सोहेल महमूद को बता दिया था कि नरेंद्र मोदी इमरान खान से बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है और अगर कोई जरूरी संदेश है तो वो उनको दे सकते हैं। भारत ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान से बात नहीं की। 48 घंटे तक पाकिस्तान इस उलझन में रहा कि भारत ने युद्ध का फैसला कर लिया है और उस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि अब सवाल MiG-21 के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का है। पाकिस्तान पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और फिर इमरान खान को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होते हुए पिघलना पड़ा। जब 28 फरवरी को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने ऐलान किया कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। आपने बपोरे पत्रकार परिषद करने कही दी तू, खबरदार पाकिस्तान के अमारा पायलट ने जो एक खरोच पण आवी तो पछी दुनिया ने तुम्हें कहता नहीं कि मोदी आ करियो। अभी से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर कह सकते हैं कत्ल की रात का खौफ पाकिस्तान में फैल गया था। इसे अब पाकिस्तान के साथ इमरान खान की सबसे बड़ी बेइज्जती कह सकते हैं, जब पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि पाकिस्तान अब बचेगा नहीं। इसे अब पाकिस्तान की आर्मी की सबसे बड़ी कमजोरी कह सकते हैं, जिसकी पोल 27 फरवरी की रात में खुल गई। इमरान खान का फोन प्रधानमंत्री मोदी ने रिसीव नहीं किया और अगले ही दिन पाकिस्तान ने अभिनंदन की रिहाई का ऐलान कर दिया। इमरान खान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन अजय बिसारिया की किताब में जो बताया गया है उसके मुताबिक इमरान खान के ऐलान के पीछे भारत की उन 9 मिसाइलों का डर था जो लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी से लेकर सरगोधा तक तान दी गई थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े सैन्य अड्डे भारत के टारगेट पर थे। हालांकि भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तानी गई थी, लेकिन दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान पर प्रेशर कितना ज्यादा है। हालांकि अजय बिसारिया की किताब के मुताबिक पश्चिमी देशों के राजदूतों से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जांजुआ ने अपनी फौज की तरफ से भेजा एक मैसेज पढ़ा था। इसमें लिखा था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तानी हुई हैं। अजय बिसारिया के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। भारत और पाकिस्तान में
दोनों देशों के राजदूतों ने खास तौर से पाकिस्तान को सतर्क किया था कि भारत ने तय कर लिया है उसे पीछे हटना पड़ेगा। ये पाकिस्तान पर ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर था जिसमें इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के साथ पूरे पाकिस्तान की अकड़ बुरी तरह से रगड़ दी गई। लिहाजा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने के अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं है। हमने पैगाम भी पूछा है कल भी उनसे और भी फॉरेन मिनिस्टर ने बाकी लीडर्स से दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की और सारी कोशिश यह है कि डीएस्केलेशन हो। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर अजय बिसारिया के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने पाकिस्तान को समझाया था कि भारत अपने पायलट को बचाने के लिए उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है। इस चेतावनी से पाकिस्तान को इतना खतरा महसूस हुआ कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया बल्कि पुलवामा के आरोपियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन देने को तैयार हो गया। इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों से 3 बार मुलाकात की थी। यानी इस्लामाबाद इतना ज्यादा प्रेशर में था कि उसके पास विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया गया और पूरा पाकिस्तान देखता रह गया। और कच्चा चिट्ठा में इस वक्त बहुत बड़ी खबर लेबनान से। इज़राइल ने हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया है। एक बड़ा कमांडर मार गिराया गया। दक्षिणी लेबनान में इज़राइल ने हिजबुल्ला के कमांडर को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। ये पहली बार है जब नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के किसी बड़े कमांडर को मारा है। हमास के डिप्टी चीफ साले अल अरूरी के बाद ये इज़राइल का लेबनान पर दूसरा बहुत बड़ा हमला माना जा सकता है। देखिए, इसराइल ने गाजा में भी हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। इसराइल गाजा में हर उस ठिकाने को अपना निशाना बना रहा है जहां हमास का कमांडर याहिया सिनवार छिपा हो सकता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि सिनवार कहां मौजूद है, वो किस हाल में है, वो जिंदा भी है या फिर मर चुका है। लेकिन इसराइल के लिए अब सिनवार बहुत बड़ी पहेली बन चुका है यकीनन। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवा धमाका। इतने धमाकों के बाद भी क्या हमास का कमांडर और गाजा का बिन लादेन कहा जाने वाला याहिया सिनवार जिंदा है? या फिर इन धमाकों में इज़राइल का कट्टर दुश्मन हमेशा के लिए जिंदा दफन हो गया है? हमास का कमांडर याहिया सिनवार कहां है, कैसा है, किस हाल में है, यह फिलहाल कोई नहीं जानता। उसको शिद्दत से ढूंढने वाला इज़राइल भी नहीं जानता कि सिनवार जिंदा है या मर चुका है। वो बस सिनवार की मौत पुख्ता करने के लिए गाजा पर लगातार बम मारे जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि सिनवार इस वक्त गाजा में ही है। अगर वो जिंदा है तो वो कहीं छुपा हुआ है। क्या वो बमबारी में तबाह हो चुकी किसी इमारत के खंडहर में छुपा है या किसी सुरंग में ठिकाना बनाया हुआ है? यही वजह है कि इज़राइल हर दिन हमास के सुरंगों को निशाना बना रहा है, गाजा में चुन चुन कर हमास के सुरंग को बर्बाद कर रहा है, हर उस ठिकाने को निस्तो नाबूद कर रहा है जहां हमास का पूरा कैडर हो सकता है या फिर उसके लीडरों के छिपे होने का शक है। एयर स्ट्राइक, टैंक से बमबारी, सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन, इन हमलों से एक बात तो साफ है कि इज़राइल ने याहिया सिनवार की मौत की गारंटी ले ली है। उसके पास गाजा से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये नेतन्याहू की कसम है कि सिनवार या तो मारा जाएगा या फिर सरेंडर करेगा, लेकिन गाजा से बचकर नहीं जा पाएगा।
ये सेंट्रल गाजा की तस्वीर है। यहाँ इसराइल की सेना ने हमास की एक और सुरंग पर धावा बोल दिया है। करीब 100 मीटर लंबी इस सुरंग में हमास के लड़ाकों ने जंग का पूरा इंतजाम किया हुआ है। युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान तैयार है। यहाँ से मोर्टार बरामद हुए, ग्रेनेड भी मिले। इसराइल की सेना पर अटैक करने के लिए RPG रॉकेट का जखीरा भी मिला। साथ ही वो सामान मिला जिसके सहारे हमास के रॉकेट की रेंज बढ़ाई जा सके, वो लंबी दूरी तक इसराइल की सेना पर हमला कर सके। इसराइल की बहुत ही खतरनाक माने जाने वाली 179th ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब एक और वीडियो देखिए। इसराइल अपने दक्षिण की तरफ से हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। एक के बाद एक टैंक से फायर किया जा रहा है। सेना की गाड़ियां हमास के ठिकानों और उसके एंटी टैंक दस्तों को तलाश कर रही हैं, क्योंकि इसी ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। देखा जाए तो इसराइल ने हमास के हर लीडर, फिर चाहे वो याया सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो या खालिद मेशाल, सभी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। इसमें याया सिनवार जिंदा है या मर चुका है पक्का नहीं मालूम। हानिया और खालिद मेशाल भी खौफ में हैं, जबकि हमास के नंबर 2 साले अल अरूरी को इसराइल खत्म कर चुका है। वैसे युद्ध के 3 महीने बाद भी इसराइल को वो कामयाबी नहीं मिली है जिसकी उसे उम्मीद थी। यही इसराइल की सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हमास के थिंक टैंक को मारने या पकड़ने में लगेगा, युद्ध उतना ज्यादा खिंचता चला जाएगा। और युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, इसराइल को ना सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर उतना नुकसान होगा, बल्कि उसकी सेना की साख भी गिरती जाएगी, जो अभी तक इस युद्ध के बड़े टारगेट हासिल नहीं कर पाई है, जबकि उसकी बमबारी में करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। שלושה חודשים החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צהל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. נתניהו, יהיה בלכול בי נהיג'אטה. कि उन्हें अब किसी भी तरह का नुकसान हो, वो गाजा में भी फंसे हैं और इसराइल के राजनीतिक हालात के बीच करप्शन के इल्जाम में भी फंसे हैं। लेकिन इसराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमास की हार, उसके बड़े कमांडर्स की मौत या सरेंडर। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इसका अंत कैसे होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। कई कोशिशों के बाद भी अब तक सुलझ नहीं पाई है। जब तक ये युद्ध चलेगा, तब तक हमास के लड़ाकों के साथ गाजा में रह रहे निर्दोष लोग भी मारे जाते रहेंगे। उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जाएगी। गाजा में एक बार फिर सीज फायर की कोशिश शुरू हो गई है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि गाजा में सीज फायर कराया जाए। किंग अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो इसके बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। गाजा की फिक्र पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है। यही वजह है कि सभी अब यही चाहते हैं कि कम से कम इसराइल अपने ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दे कि आम लोग उसकी बमबारी का शिकार ना बने। Dass so viele palästinensische Menschen Schaden an Leib und Leben nehmen. Das Leid so vieler unschuldiger Beteiligter kann so nicht weitergehen. अब इस बच्चे को देखिए। इसराइल की बमबारी के बाद ये एक इमारत के मलबे में दबा हुआ था। आधे घंटे तक वो मलबे में दबा रहा और उसके बाद इसे किसी तरह से जिंदा निकाला गया। इसलिए गाजा तबाही के साथ जिंदगी की उम्मीद भी देख रहा है। हालांकि धमाके और खून खराबे के अलावा गाजा में अब कुछ बचा नहीं है। गाजा में इस वक्त जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। एक बड़ी आबादी के पास अब रहने के लिए घर नहीं है, वो रेफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर है। यहाँ न खाने की सही व्यवस्था है और न ही पीने की। मेडिकल व्यवस्था तो पहले ही चरमराई हुई है। लोगों का कहना है कि इसराइल ने बाहर से आने वाली मदद को रोक दिया है। كل هذه ممنوعة من جاي من طرف إسرائيل فإحنا بدناش المجتمع الدولي والأمم المتحدة تسمح بدخولها
لانه حتقل كفاءه المياه يعني خلال فتره قريبه جدا يعني. दुनिया गाजा से आ रही हर तस्वीर को देख रही है, लेकिन इसराइल को सिर्फ सिनवार चाहिए, जिंदा या मुर्दा। याया सिनवार का खौफ पूरे इसराइल में फैला हुआ है, क्योंकि हमास के कब्जे से रिहा हुए एक बंधक ने याया सिनवार को लेकर जो बात बताई है वो नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। हमास के कब्जे से रिहा हुए एक बंधक ने बताया है कि जब गाजा में वो एक सुरंग में कैद करके रखे गए थे, तब एक दिन अचानक सुरंग का दरवाजा खुला और उनके सामने एक व्यक्ति था जो याया सिनवार बताया जा रहा है। वो व्यक्ति इसराइल में बोली जाने वाली हिब्रू भाषा में बात करने लगा और उसने कहा कि तुम सब यहाँ हमास के कब्जे में महफूज हो, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसकी हिब्रू भाषा बोलने का लहजा बिल्कुल एक इजरायली व्यक्ति की तरह था। शुरू में उन्हें लगा कि इजरायल का कोई शख्स उनसे बात कर रहा है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यह हमास का कमांडर याया सिनवार ही है। खुना हत्सालित ओवेदत बमलोआ उत्समा इखया सिनवार मितखबब बबुंकर शलो वनोतन लमफकदे असदे शलो अटेररिस्टिम लमूत बशतह एचलनो अमफकदिम ओलखिम बरोश हकोह מובילים קדימה, מביאים להישגים ומנהיגים את הכוחות. याया सिनवार अब इसराइल के सिर पर चढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा की गलियों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याया सिनवार की छाप पड़ी हुई है। हमास का एक एक हमला याया सिनवार की सरपरस्ती में हो रहा है, ये बात इसराइल की फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। नेतन्याहू ने गाजा पहुंचकर पहले ही बता दिया है कि चाहे सीज फायर रहेगा या फिर नहीं, इसका हमास को खत्म करने के उनके एजेंडे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले ही बता चुके हैं कि इसराइल पर हमला करने वालों को वो चुन चुन कर मारेंगे, हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। यानी हमास का पक्का इलाज होगा, हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, इसकी 100% वाली गारंटी नेतन्याहू बार बार दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा चैलेंज याया सिनवार बन चुका है। याया सिनवार जब तक जिंदा है नेतन्याहू जीत का दावा नहीं कर सकते। नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याया सिनवार सुरंगों में घूम रहा है और बंधकों से मुलाकात करके उनसे सीधे बात कर रहा है, तब से नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि याया सिनवार जिंदा है, याया सिनवार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है, याया सिनवार बता रहा है कि इसराइल का एक एक बंधक उसके रहमोकरम पर जिंदा है। बहुत बड़ी खबर, अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग ने चीन की आर्मी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये बहुत ही बड़ा पर्दाफाश है। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि सेना के अफसर इस कदर करप्शन कर रहे हैं कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरवा देते हैं। इस रिपोर्ट में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की ताकत पर सवाल दागे गए हैं, सवाल उठाए गए हैं। चीन की युद्ध की ताकत को कटघरे में खड़ा किया गया है। देखिए, चीन के मिसाइलों में पानी भर देने वाले चीनी सेना के करप्शन केस में जो रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया में खूब तेजी से छप रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल पिछले महीने ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने 9 जनरल को भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया था, और अब पता चला है कि आर्मी पैसा कमाने के लिए मिसाइलों में पानी भरकर काम चला रही है। जरा सोचिए, हमले के लिए मिसाइल तैयार है, उल्टी गिनती शुरू है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जवान ग्रीन बटन ऑन करता है, लेकिन मिसाइल फायर होना तो दूर हिलती तक नहीं। जांच होती है तो पता चलता है कि मिसाइल में ईंधन की जगह पानी भरा है। ये भयावह सच है चीन का, उस चीन का जिसे सुपर पावर कहलाने की बड़ी इच्छा है, वही चीन जो पड़ोसी धर्म निभाने की जगह हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, वही चीन बेपर्दा हो गया है। जिस आर्मी के दम पर चीन के हुक्मरान इठलाते हैं,
भूले नहीं समाते, वो आर्मी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी मिली। सवाल तो अब ये है, डोंगफेंग 41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर। डोंगफेंग 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 13,000 किलोमीटर। JL-2 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 8,000 से 9,000 किलोमीटर। और ऐसी ही अनगिनत चीन की तथाकथित पावरफुल मिसाइलें कितनी सक्षम है, कितनी खतरनाक है, कितनी खूंखार है, और उससे भी बड़ा सच ये कि चीन के पास युद्ध की कुल ताकत कितनी है। चीन बेनकाब हो गया है, पूरी तरह एक्सपोज। जिस आर्मी पर चीन को गुमान है वो आर्मी करप्शन का अड्डा बन चुकी है। आर्मी में फैले भ्रष्टाचार का दीमक चीन की मिसाइलों के भीतर से उनका ईंधन तक चाट गया है। सेना के अफसर देश के साथ गद्दारी पर उतर आए हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चीन की सैन्य शक्ति पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि चीन की मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस बात का दावा किया है कि चीन की मिसाइलों में ईंधन नहीं बल्कि पानी भरा है। चीन महाशक्तिशाली देशों की कतार में तो नहीं पहुंच सका, करप्शन के कीचड़ में जरूर लेट रहा है। मंत्री संतरी का गायब होना या उन्हें गायब करवा देने का काम तो चीन की सरकार खुद ही संभालती है। आर्मी के हिस्से जो काम आता है वो ये कि देश के अमानत में खयानत करो। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट में चीन की मिसाइलों में पानी भरे होने की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इसकी डिटेल में जाने पर पता चला कि चीन में एक के बाद एक शक्तिशाली जनरल जनता की नजरों से गायब होते रहे हैं। कुछ को बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के उनके पदों से हटा दिया गया। यहां तक कि रक्षा मंत्री जैसे हाई प्रोफाइल पद भी नहीं बच सके। लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा क्यों किया, इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सेना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है। इस भ्रष्टाचार ने शी जिनपिंग की सेना के आधुनिकीकरण की कोशिशों को कमजोर किया है। 1 अगस्त 2027 को पीएलए 100वीं स्थापना दिवस मनाएगी। शी जिनपिंग ने देश की तथाकथित समर्पित और ईमानदार आर्मी के लिए कहा है कि 2027 में पीएलए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी होगी। शी जिनपिंग आर्मी में करप्शन के केस फाइल शायद ठीक से नहीं पढ़ पाए या उनके अमलों में से किसी ने भूल कर दी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की रॉकेट फोर्स और पूरे देश के रक्षा औद्योगिक आधार में भ्रष्टाचार इतने व्यापक स्तर पर फैला है कि आने वाले वर्षों में शी जिनपिंग किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्यवाही करने की नहीं सोच सकते। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चीनी सेना में भ्रष्टाचार से जुड़े उदाहरण दिए। इसमें कहा गया है कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है। वहीं पश्चिमी चीन में मिसाइल साइलो के विशाल क्षेत्र हैं, जो इस तरह के काम नहीं करते कि मिसाइल को प्रभावी ढंग से लॉन्च किया जा सके। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, खासकर रॉकेट फोर्स में। इसने शी जिनपिंग की आधुनिकीकरण प्राथमिकताओं को भी पीछे धकेल दिया है। भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच के कारण पिछले 6 महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ रक्षा अधिकारी फंसे हैं। यह आधुनिक इतिहास में देश की सेना पर चीन की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। झूठ, दिखावा, प्रोपेगेंडा के दम पर चीन ने जो चमक बिखेरी है यह उसका सच है। और यह पहली बार चीन की आर्मी में करप्शन का मामला नहीं सामने आया है कि मिसाइल में ही ईंधन की जगह पानी भर के रख दिया गया। शी जिनपिंग ने 2027 तक सेना को एक आधुनिक फोर्स में बदलने के अपने लक्ष्य के लिए अरबों डॉलर लगाए हैं। हर साल चीन की सेना का बजट बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 5 सालों का लेखा जोखा देखिए। 2023 के लिए रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की थी। 2023 में रक्षा बजट 1.55 ट्रिलियन युआन यानी 224 बिलियन डॉलर रखा गया था। चीन में रक्षा बजट 2013 के आंकड़े से लगभग 2 गुना हो गया है। इसके साथ ही चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट जारी करने वाला देश है।
लेकिन पैसे की इस भरमार के बावजूद चीन की आर्मी में करप्शन संक्रामक रोग की तरह फैल गया है। पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने 9 जनरलों को बर्खास्त कर दिया था, जिनमें रॉकेट फोर्स के 3 कमांडर भी शामिल थे। रॉकेट फोर्स चीन में न्यूक्लियर मिसाइलों की निगरानी करती है। ऐसे समय में जब दक्षिण चीन सागर और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में ताइवान और अमेरिका उसके सामने खड़े हैं, चीन की आर्मी को लेकर अनट्रेंड होने, अनप्रोफेशनल होने की खबरें भी आती रही हैं। यही नहीं, ये तथ्य है कि पिछले 60 सालों से चीन की सेना युद्ध भूमि में नहीं उतरी, मतलब सेना की 3 पीढ़ियों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। यानी अनुभवहीन सेना से शी जिनपिंग कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाले बैठे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की कमान सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथों में है। शी जिनपिंग अपनी दंडात्मक कार्यवाहियों के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण देखिए, विदेश मंत्री किन गैंग लापता, रॉकेट फोर्स का कमांडर लापता, रक्षा मंत्री ली शांगफू लापता। लेकिन शी जिनपिंग के इन एक्शन का कोई खास असर होता नहीं दिख रहा। चीन की सेना जिन बातों को लेकर परेशान रहती है, चीन की सरकार का ध्यान उधर नहीं जाता। अनुशासन और देशभक्ति के नाम पर कोल्हू के बैल की तरह जोत दिए जाते हैं चीन के युवक, अब आजिज हो चुके हैं। दूसरे देशों की तरह चीन के सैनिक और अफसर भी बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण वो संभव नहीं है। लिहाजा सेना में अफसर और जवान की मिलीभगत से करप्शन का डर्टी गेम खेल खेला जा रहा है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि लंबे समय तक चीनी सेना में भ्रष्टाचार की पुरानी समस्या बनी रहेगी, क्योंकि इसके पीछे कुछ मूल कारण भी हैं, जिनमें अधिकारियों का कम वेतन और सैन्य व्यय में अस्पष्टता शामिल है, जिस पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शी जिनपिंग का विजन कहता है कि सेना इस वक्त मिसाइल में पानी भर के तैयारी करे या मिसाइल को पानी में डुबो देने वाला करप्शन करे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सेना से सीधा टक्कर शी जिनपिंग अगले 5-10 सालों की अपनी सरकार में नहीं लेने वाले। इसके एक नहीं कई कारण है। दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना के साथ साथ चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, परमाणु हथियार, परमाणु संचालित पनडुब्बियों के साथ साथ मिसाइलों का विशाल भंडार है। लेकिन अब पता चला है कि इन मिसाइलों में असल में पानी भरा है।